नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। पंचायत चुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा हो गई है, अब तो नॉमिनेशन भी शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर महिला उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की गई है, उन महिला उम्मीदवारों को जो कि चुनाव में खड़ी होने वाली। आपको बता दें कि 50% के आरक्षण को देखते हुए इन उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही तैयारियां जोरों पर है। मुखिया चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो गई है। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। कुल 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न कराए जाएंगे। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा। 4 पदों, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की लगभग आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, यानी कि 50% सीट पर महिला उम्मीदवार ही खड़ी होंगी और यहां से महिला उम्मीदवार ही विजयी होंगी। इसके अलावा आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। सभी आरक्षण कोटियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बिहार में पंचायती राज के लिए वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि मुखिया के 8072, सरपंच के 8072, जिला परिषद के 1160, पंचायत सदस्य के 1,13,307, पंचायत समिति सदस्य के 11,104 और 1,13,307 पदों पर चुनाव होने वाला है। गौरतलब हो कि पद के दुरुपयोग और कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उपमुखिया 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोगों का नामांकन रद्द किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत जिन मुखिया और उपमुखिया पर निहित शक्तियों का दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का आरोप लगा है, प्रमंडलीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए हों और सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा इसे स्थगित या रद्द नहीं किया गया हो, वे पद से हटाए जाने की तिथि से 5 साल तक पंचायत चुनाव से उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। तो आपने इस सूची में देखा कि किस तरह से महिला उम्मीदवारों के नामों का घोषणा किया गया है आगामी चुनाव को देखते हुए। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।